की दास्तान घड़ी गई जिस वाक्य का वजूद सिरे से था ही नहीं, उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक्या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। झूठी दास्तान घड़ी गई वाक़े की कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस बच्चे को विक्टिम करार दिया गया, उसका दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। ज़रख़रीज़ टॉट्स ने सोशल मीडिया पर तूफान बरपा कर दिया। ऐसे वक्त में ख़तरनाक मनसूबा बनाया, जब गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान में आ रहे थे। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। जो भी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है, उनको छोड़ूंगी नहीं, वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। कहा, जिन्होंने बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की, तमाम अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि खवातीन के मामलात में कोई मुलजिम कानूनी सुकम से ना बच पाए। आप यकीनी बनाएं कि मुलव्वस है, वो बच नहीं सकेगा। सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया। एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, वो बच्ची वफात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुदई बनना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब मरियम नवाज की तजवीज़। बोली, जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो तो इस रोज़ कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। हस्पताल में जेर इलाज रहने वाली बच्ची की वालिदा ने कहा कि इसकी 5 बच्चियाँ हैं, उनकी शादी कैसे होगी। इन लोगों ने किसी और बच्चे की पोस्ट किसी हस्पताल से उठाकर लगा दी। सबको बताना चाहती हूँ कि वो पाक साफ है। पहले पोस्ट डाली गई, लड़की आईसीयू में है, फिर कहा उसकी डेथ हो गई है। हुकूमत हरकत में आई तो पोस्ट लगाने वाले ने तर्दीद कर दी। देखिए, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आपने कुछ जाने बगैर, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और जहाँ पर और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तालीमी खिदमात का एतराफ़। बोले, पंजाब ग्रुप एक अरसे से तालीम दे रहा है, तालीमी इदारों से लाखों बच्चे और बच्चियां इनकी दौलत से मालामाल हो चुके हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन एक इज्जतदार और ज़िम्मेदार शख्स हैं। मियां आमिर महमूद अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वज़ीर तालीम से कहा कि बग़ैर किसी सबूत इतनी जल्दी कैंपस के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। तालिबा से मुबैना ज़्यादती का प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स की रफ्तार। शनाख्त फैसल जड एडवोकेट के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। बोली, लड़के और उसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ाम और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने ज़ाहिर सीसीटीवी कैमरास का एक
مربوط نظام ہے، سسٹم ہے، ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پولیس سے رابطہ ہوا، پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دے کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے، انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے، اچھی طرح سے تسلی کی، اور پھر وہ ساری کیمراز، ریکارڈنگ اکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے اور آج تک انہیں کی کسٹڈی میں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بعد انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا، کبھی ایکس وائی زیڈ جتنے بھی نام آ رہے ہیں، ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ بچے، ہماری فیملی بے بنیاد باتوں کے پیچھے لگ کر اداروں کے خلاف نہ جائیں۔ آج کے دور میں سچائی کو چھپانا آسان نہیں۔ ہمارے نوٹس میں جیسی ہی بات آئی، چاند بین شروع کی، مگر کچھ نہ ملا۔ اگر کوئی ایسی بچی ہے، ہمیں بتایا جائے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر پی جی سی آغا طاہر کی پریس کانفرنس۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی پوسٹوں میں بہت زیادہ تضاد ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس واقعے کو جوڑنے کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اور ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز عارف چودھری بولے، جب کسی واقعے کا وجود ہی نہیں تو پولیس کس کے خلاف مقدمہ درج کرے؟ اگر یہ واقعہ ثابت ہو گیا تو میں پیشہ چھوڑ کر طلبہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ سوشل میڈیا پر 8 سے 10 بچوں کے انٹرویوز وائرل ہوئے۔ جن بچوں کے انٹرویوز آئے وہ ہمارے کالج کے ہی نہیں ہیں۔ منسٹر نے کیمپس سیل کرنے کے احکامات کیوں دیے، سمجھ نہیں آ سکی۔